नमो गंगे नमस्कार। आज हम लोग एक्यूप्रेशर रोलर के बारे में बातचीत करेंगे। एक्यूप्रेशर आप सभी को पता है हमारे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स हैं जो हमारे पूरे शरीर को एक्टिव बनाता है। उस एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिव करने के लिए ये एक रोलर है जिस रोलर के द्वारा हम अपने पैरों और हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं और अपने पूरे शरीर को रिचार्ज करते हैं। इसे स्ट्रेस किलर के नाम से भी जाना जाता है। किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पैरों को चलाते हैं, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पैरों के नीचे कोई कारपेट पड़ा हो जो इंसुलेशन और कंप्रेशन का कार्य करे, साथ ही साथ दूसरा एक्यूप्रेशर का टूल से जिसे हम दोनों हाथों में ग्रिप बनाते हैं और ग्रिप बनाने के बाद अच्छे से दबाकर स्पाइन को स्ट्रेट करके दोनों हाथों को बगल में रखते हैं और फिर पैरों को चलाते हैं। हमारे हाथों में जो ये टूल्स है वो हमारे हाथों की एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिव भी करता है और साथ ही साथ हाथों के सहारे हीट जनरेट करता है और पैरों को चलाते रहते हैं इस रोलर पर। इसी अभ्यास को जब हम हाथों के सहारे करते हैं तो इस टूल्स को अलग कर देते हैं, अपने दोनों पैरों को कारपेट पे रखते हैं और दोनों हाथों को इस तरीके से रोलर पर रखते हैं और थोड़ा सा दबाते हुए पांचों उंगलियों को मिलाकर रखते हैं, थोड़ा सा दबाते हुए इस वे में चलाते हैं हाथों। केवल 15 मिनट सुबह खाली पेट पैरों से और 15 मिनट हाथों से इसका अभ्यास करना है। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पूरे नर्व से कनेक्टेड हैं। और जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी का जो फ्लो है उसमें जो भी ब्लॉकेज होती है वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। साथ ही साथ सारी बीमारियों का जड़ जो है वो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा एब्डोमिन है, ये एब्डोमिन में हीट जनरेट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है। साथ ही साथ एक छोटी सी समस्या जो आजकल कॉमन हो चुकी है, हमारे ज्वाइंट्स में अलग अलग ज्वाइंट्स में अलग अलग टाइप के पेन होते हैं, उसके अलावा हमारे स्पाइनल रीजन में, स्पाइन के लोअर रीजन से लेकर अपर रीजन में एक ब्लॉकेज क्रिएट होती है जो हमारे स्पाइन को एक्टिव बनाने में रोकती है। तो जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं तो यह हमारे स्पाइन को भी एक्टिव करता है। कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो सर्वाइकल की है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप सभी लोग इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।